साथियों, जन औषधि योजना को देश के कोने कोने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभार्थियों से आज मुझे बातचीत करने का अवसर मिला और जो चर्चा हुई है उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोषण और सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र तो ऐसे हैं जिन्हें महिलाएं ही चला रही है। यानी जन औषधि योजना बेटियों की आत्मनिर्भरता को भी बल दे रही है। भाई और बहनों, इस योजना से पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले देशवासियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है। आज भी जब 7500वें केंद्र का, 7500वें केंद्र का लोकार्पण किया गया है तो वो शिलांग में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में जन औषधि केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है। साथियों, 7500 के पड़ाव तक पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि 6 साल पहले तक देश में ऐसे 100 केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से 10000 का टारगेट पार करना चाहते हैं। मैं आज राज्य सरकारों से, विभाग के लोगों से एक आग्रह करूंगा, आजादी के 75 साल हमारे सामने महत्वपूर्ण अवसर है, क्या हम ये तय कर सकते हैं कि देश के कम 75 जिले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज्यादा जन औषधि केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछ ही समय में हम कर देंगे। आप देखिए कितना बड़ा फैलाव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से उसका लाभ लेने वालों की संख्या का भी लक्ष्य तय करना चाहिए। अब एक भी जन औषधि केंद्र ऐसा ना हो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्या 2 गुनी 3 गुनी ना हो। इन दो चीजों को लेकर के हमने काम करना चाहिए। ये काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाभ होगा। ये जन औषधि केंद्र हर साल गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों में के लगभग 3600 करोड़ रुपए बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दवाओं में खर्च हो जाते थे। यानी अब इन परिवारों के 3600 करोड़ रुपए परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिक उपयोगी होने लगे हैं।